लखीमपुर खीरी से खबर, पूर्व विधायक नीरवेंद्र मिश्रा मामले में सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता विधायक मृतक के गांव पहुंचे हैं और परिवार के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। सरकार पर निशाना साधते हुए रवि वर्मा ने कहा कि जिस तरह छुट्टी के दिन बिना कागजात जमीन पर कब्जा करने का प्रशासन द्वारा जो प्रयास कराया गया उससे यह साफ हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राज्यसभा सांसद रवि वर्मा ने मामले में शामिल सभी पुलिसकर्मी और भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मामले में आपको अवगत करा दें कि पूर्व विधायक नीरवेंद्र मिश्रा का शव अभी भी उनके घर पर रखा हुआ है। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार किया है। परिजनों की मांग है कि मामले में आरोपी सीओ कुलदीप कुकरेती को निलंबित किया जाए, साथ ही 302 की धारा में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। लखीमपुर खीरी से अनुराग पटेल की रिपोर्ट। छुट्टी वाले दिन जबकि मुकदमा चल रहा था जमीन के ऊपर, बिना किसी सक्षम स्तर के अधिकारी को लिए, बिना कोई सक्षम आदेश पारित किए, जिस तरीके से अपराधियों के माध्यम से जमीन ऊपर कब्जा कराने का प्रयास किया गया है और नियोजित तरीके से हमारे पूर्व विधायक जो कि इस इलाके का शेर रहा है, इस इलाके का नेता रहा है, उसका कत्ल किया गया है। ये बहुत ही गंभीर घटना है। आज इसकी गूंज देश में ही नहीं, दुनिया हिंदुस्तान के बाहर भी हो रही है। अब सरकार को जवाब देना होगा। आज ये मुन्ना विधायक जो लेटे थे, हमारे यहाँ लेटे हुए हैं, ये गरीबों की आवाज़ थे, ये गरीबों की उम्मीद रहे हैं, इन्होंने गरीबों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज हालत ये है, इनको शिकार बनाया गया है। अब गरीब लड़ेगा इस मुन्ना के इंसान मिलने की लड़ाई। हम ये लड़ाई गरीबों के बीच में ले जाएंगे और हर आदमी इस बात के लिए सामने आकर के इस नाइंसाफी के खिलाफ अपनी बात कहेगा। और हम जानते हैं इस बात के लिए कि अधिकारी डरे हुए भी हैं। एक अधिकारी को उन्होंने भी लाइन हाजिर किया है, लेकिन जितने भी लोग, चाहे वो भूमाफिया हों, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स जिनके इशारे पर ये सब कार्यक्रम हुए हैं, या जिन लोगों ने भी उनकी मदद की है, जब तक उन सभी लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक मुन्ना को इंसाफ नहीं मिलने वाला। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, क्या कहेगा सपा उसको? कहाँ है सरकार? आज हम मुन्ना के सामने खड़े हैं, कहाँ है सरकार? सरकार बताए कि वो कहाँ है। प्रशासन टीएम रिपोर्ट पर हार्ट अटैक की बात कहकर पल्ला झाड़ रही है। हमारे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मुन्ना के ऊपर लातों से हमला किया गया है। ऑफिशियल जवाब दे, हम उनको जवाब देंगे। लगातार ब्राह्मणों पर जो अटैक हो रहे हैं, देश बन चुका है। परिवार सब वो समय निकाल के मिलेंगे आकर के, बात हमारी होगी। इनका परिवार कह रहा है कि प्रशासन रोक रहा है उसको, उनको आने के लिए। किसको रोक रहा? सपा मुखिया को आने। देखिए, हम तो यहाँ पर आए हैं ना, उनके प्रतिनिधि बन के आए हैं और उनका प्रोटोकॉल चलता है, वो हिसाब से आके बात मिलेंगे। लेकिन ये संजीव, ये मुन्ना का बेटा है, मुन्ना का बेटा नहीं, हमारा सबका भाई है। और अब इंसाफ की लड़ाई ये लड़ेगा, हम लोग इसके साथ खड़े हुए हैं। अब आगे जो आरोप लगा रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई, आगे क्या आपकी योजना है? मैंने आपसे क्या बताया कि छुट्टी वाले दिन बिना सक्षम स्तर के अधिकारी को लिए हुए, बिना सक्षम आदेश किए हुए कैसे कब्जा हो गया? सपा आंदोलन, लॉकडाउन चल रहा, सबके लिए नियम कानून चल रहे थे, तो इससे साफ पता लग रहा है मशीनरी मिली हुई, अधिकारी मिले हुए, अधिकारी ने कांड कराया है सभी। तो सपा आगे लड़ाई लड़ेगी, निश्चित रूप से उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग ये लड़ाई अंतिम संस्कार के लिए नहीं रुकेगी, ये लड़ाई दिल्ली पहुंचेगी। 16 तारीख को पार्लियामेंट चल रही है, जवाब देंगे पार्लियामेंट के अंदर सब।